नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं BHU पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रांगण है और ये डिपार्टमेंट है हिंदी डिपार्टमेंट, जहाँ पे पिछले 3-4 दिनों से बच्चे जो है वो धरना पे बैठे हुए हैं, जो छात्र हैं यहाँ के और वरिष्ठ छात्र जो हैं PhD के जो छात्र हैं वो धरना पे बैठे हुए हैं। आई थिंक कि मुद्दा अभी बहुत गंभीर रूप ले चुका है, प्रशासन इसमें कहाँ तक इन्वॉल्व हो रही है, प्रशासन कहाँ तक सोल्यूशन देने को तैयार है, और आपको तो पूरा मामला भी एक बार समझना चाहिए, तो हम लोग इनसे बात भी करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब भी विश्वविद्यालय में कुछ इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है तो ऐसे में बच्चे बार बार आपको देखोगे कभी VC आवास पे, कभी विश्वविद्यालय के मेन गेट पे धरना करते नजर आ जाते हैं। निश्चित तौर से अगर ये लोग आज धरने पे बैठे हुए हैं तो कोई ना कोई तो मामला ज़रूर है, क्योंकि किसी को इतना शौक नहीं लगा है कि वो ऐसे ही आके बैठ जाए और किसी चीज़ का विरोध करे। तो पूरे मामले को हम लोग इनसे खुद जानेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आइए इस बात को पूरा हम लोग समझते हैं। और इस बात और जो लोग देखने वाले हैं, देखो यहाँ जुल्म के टक्कर में PhD में धांधली बंद करो विभाग अध्यक्ष मुर्दाबाद, विनय सिंह मुर्दाबाद हिंदी तेरी ऐसी हाल जोर जुल्म के टक्कर में। अभी आप लोग इनके अंदर जो एक रोष है उसको देख के समझ सकते हो कि ये लोग किसी न किसी समस्या से तो गंभीर रूप से पीड़ित हैं। और ये लोग और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा, क्या ये भी इस धरने का ही हिस्सा है? जी, ये अच्छा, ये आमरण अनशन का हिस्सा है। तो चलिए एक एक करके लोग जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम यादव उमेश महेंद्र है और मैं यहीं से प्रास्नातक उत्तरार्ध पास किया हूँ 2020 में, और ये लोग मेरे साथी हैं प्रवीण प्रजापति। इसमें आपका यहाँ से PG कंप्लीट है, लेकिन हम लोग का 11 प्लस होने वाला है, लेकिन हम लोग का PhD में धांधली के कारण एडमिशन नहीं हो पाया, तो इसके जिम्मेदार HOD और विनय सिंह हैं। और अगर हम लोग को आमरण अनशन के दौरान कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारे HOD विनय सिंह और कुलपति महोदय की होगी। अच्छा, ये कितने दिनों से चल रहा है? लगभग ये लगभग 22 तारीख से शुरू हुआ था और आज 27 हो गया है। अच्छा, इसमें से डायरेक्टली मतलब कितने लोग इसमें पीड़ित हैं? लगभग कितने लोग मतलब इस मामले जुड़े? पीड़ित तो जोड़ेंगे सर, तो जितने लोग का नहीं हुआ है सारे पीड़ित हैं, पर पर्सनली 15-20 लोग ऐसे हैं जो काफी हर्ट हुए इनके व्यवस्थाओं से, जो कि काबिल थे, योग्य थे और उनको नंबर घटा बढ़ा के किसी तरह पीछे किया गया है ताकि इनके जो चाहे थे। इसका क्या आपके पास पूरा प्रमाण भी है? जी, हमारे पास पूरा प्रमाण और पूरा प्रूफ के साथ हम लोग ये बात कर रहे हैं, हम लोग बिना प्रमाण और प्रूफ की बात नहीं करते। अच्छा, ये जैसा कि मैं कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी देखा, कुछ वायरल हो रहे थे, उसमें एक दीदी भी उसमें काफ़ी उनका भी एक वीडियो था जो अपने बात को रखना चाह रही थी, तो ये मामले को उस दिन से सुनवाई के लिए कोई आया हुआ था, तो अभी तक प्रशासन की क्या इसमें सुनवाई? अभी प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है और इसमें कोई भी तक निर्णय नहीं लिया है। प्रशासन लगातार अपना जो है दमनकारी रवैया अपना रहा है और इससे हम छात्र जो है काफ़ी डरे और थमे हुए हैं, लेकिन हम लोग अपने जो संघर्ष है, अपना जो बलिदान है, उससे पीछे नहीं हटेंगे, अपने मांगों को पीछे लेकर ही हटेंगे, पूरा करने के बाद ही हटेंगे। तो मैं चाहूंगा ना थोड़ा सा मामले को और पारदर्शिता से बताया जाए, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ। अच्छा, स्टार्टिंग से जैसे कि अभी क्या है कि विश्वविद्यालय का जो नियम है उसके हिसाब से विनय सिंह को कोई भी प्रशासनिक और वित्तीय पद देने का अनुमति विश्वविद्यालय नहीं देता। विनय सिंह कौन है? विनय सिंह हमारे हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं और हाँ, कमेटी के समन्वयक हैं और ये VC भी रह चुके हैं विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, 14 दिन के लिए VC भी रह चुके हैं। अच्छा। और भ्रष्टाचार के आरोप में इन पर कमेटी गठित हुई थी और कमेटी के साथ साथ कोर्ट ने भी ऑर्डर किया था कि इनको किसी भी मामले में किसी प्रशासनिक या वित्तीय पद पर इनको नहीं रखा जाएगा, विचार भी नहीं किया जाएगा उनके ऊपर। लेकिन विश्वविद्यालय के हमारे विभाग अपनी अयोग्यता का परिचय देते, वो एक दूसरा मुद्दा है। यहाँ पे उनका क्या रोल है? इनका रोल ये है कि उन्होंने API को घटा बढ़ा कर जोड़ा है, अपने चहेतों का जो है एडमिशन किए हैं और योग्य विद्यार्थियों का उन्होंने चयन नहीं किया है, अब पैनल को बीच में बदल दिया है और पैनल में धांधली हुई है, और जो उनमें उनका मुख्य रोल है विनय सिंह का, हमारे जो HOD महोदय हैं उसमें वो भी संलिप्त है, क्योंकि जब भी बात आती है पहले काम तो आपका वो HOD ही करेगा, क्योंकि HOD ने साइन किया तभी ना कोऑर्डिनेटर बने, तो इसमें कहीं ना कहीं रोल HOD का भी है और पूर्णतः है, कहीं ना कहीं पूर्णतः उनका रोल है। आपने क्यों ऐसे दागी और लांछन व्यक्ति को लिया? दूसरी चीज़ कि उन्होंने जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं PhD में उनका API बढ़ाकर जोड़ा गया है। तीसरा है पॉइंट हमारा ये है कि पैनल को बीच में चेंज किया गया है, जबकि विश्वविद्यालय के नियम का उल्लंघन है। चौथा ये हमारा है कि एक PhD अभ्यर्थी थी
जो जो पीएस नहीं है लेकिन फिर भी उनको जो है पीएस बनाकर उनका एडमिशन हाँ गलत प्रमाण पत्र जी जी उसी लड़की का एडमिशन भोजपुरी डिपार्टमेंट में ओबीसी कोटे से होता है और तीन दिन बाद जब यहाँ का रिजल्ट आता है यहाँ पीएस से कैसे हो जा रहा है। तो ये लगातार जो ये भ्रष्टाचार है ये इनके यहाँ देखने को मिलता है। और एक लड़की है जो ईडब्ल्यूएस में 72.59 पे एडमिशन पा गई है, वो अंतिम लड़की है। और जो जस्ट उससे ऊपर है उसका 77.31 है। तो 77 के बाद 72 पे आपने एडमिशन किया तो इन दोनों के बीच में 200 लड़के थे, तो क्या वो 200 लड़के बिल्कुल अयोग्य थे जिनका 75, 74, 73 रहा है? तो आपने 72 कैसे कर दिया? हाँ, आप डायरेक्टली मतलब कैसे आप कर सकते हैं आप? मतलब इसमें कहीं ना कहीं पूर्णतः धांधली है और इस प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। और जो ये पीएच मैं बताया था ना, जो पीएच जो कैंडिडेट है उसका जो कुल जोड़कर विश्वविद्यालय के नियम अनुसार 215 होना चाहिए पूर्णांक, लेकिन उसका 174 है, फिर भी उसका एडमिशन कर दिया गया 174 पे रिजल्ट। तो अभी आप भैया आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? हमारी सबसे मुख्य मांग है कि जो पिछले सत्र में 2020 में जो सीटें जीरो हो गई थी, विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगर एक सीट भी जीरो होता है तो उसका विज्ञापन देना सुनिश्चित होता है, लेकिन इन्होंने एचओडी ने अपने तनाशाहीपूर्ण रवैये के चलते सीट जीरो की और हम सब छात्रों का भविष्य आज अंधकार में है। मेरा नाम सचिन यादव है और मैं प्रयोजन मूलक पत्रकारिता से हूँ, हाँ पीड़ित हूँ। दरअसल हुआ क्या था मामला कि एक सीट थी प्रयोजन मूलक हिंदी की और दो लोग क्वालिफाई किए थे जिसमें सर्वाधिक नंबर मेरा था, जिसका चयन हुआ है उनसे लगभग 20 नंबर मेरा ज़्यादा है, 20 नंबर ज़्यादा है, लेकिन उसको इंटरव्यू में ज़्यादा दे करके अधिकतम नंबर दे करके चयन कर लिया गया है जिसकी कोई सुनवाई नहीं। ये इंटरव्यू वाली जो प्रॉब्लम है इस पर तो अभी यूजीसी का कोई नया स्टेटमेंट आया था, आप लोगों को शायद पता होगा, उसमें शायद उसको कम करने की कुछ बात की गई थी। तो अभी यहाँ पर तो पहले 20 नंबर का था लेकिन फिर 30 कर दिया गया इस बार 2022 वाले में। हाँ यूनिवर्सिटी के ऊपर है पूरा, विश्वविद्यालय ही इसमें पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। ये रेट का मामला था, रेट का मामला हाँ, तो चयन कर लिया गया लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, ना उसका प्रवेश रद्द किया गया है जबकि उसका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी नहीं था, उसने ईडब्ल्यूएस पे अपना प्रवेश लिया है। तो अभी आप लोग कितने दिनों तक ऐसे करने वाले, प्रशासन सुनवाई आपको क्या लगता है करेगी प्रशासन सुनवाई? अनिश्चितकालीन धरना है, हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं, विभाग को चलने नहीं, और विभाग अभी चल नहीं रहा है, मतलब विभाग बंद है अभी। लोगों को मौका मिल गया इसी बहाने, सारे लोग अयोग्य हैं, विभाग को मौका मिल गया, वो भी नहीं आना चाह रहे हैं, मौका मिल गया हमारी वजह से, हम लोग गेट बंद कर रखे हैं हुए हैं, हम लोग बेट भी बंद नहीं किए हैं, हम लोग जब चार यहाँ आप लोग धरना से हटिए, विभाग का कोई भी ऐसा प्रोफेसर 50 प्रोफेसर है विभाग में, वो लोग भी एकदम शांति से अपने अपने 15 दिन क्लास नहीं लेना होगा शायद, जहाँ तक सुनने में आ रहा है। अब ऐसी बातें नहीं हो सकता है कि ऐसा ना कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, तो अभी आप लोग को ये पूरा जो इनकी समस्याएं हैं समझ में आया होगा। वैसे जो जूनियर छात्र हैं जनरली जो व्यूवर्स हैं उन्हें नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको इसकी कभी डिटेलिंग बताऊंगा कि रेट क्या होता है, रेट एग्जाम डेट क्या होता है और फिर कैसे पीएचडी के इनरोलमेंट होता है। यहाँ पे जो पीजी के बच्चे हैं उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि आप अगर ये सहयोग नहीं करोगे आने वाले समय में शायद आप भी ऐसे लिख के यहाँ बैठ जाओगे, तो ज़रूरी है कि मामले को हमेशा ध्यान में रखो, अपडेटेड रहो। और ट्विटर पे मैं इनके जो भी समस्याएं हैं उसके लिए ट्विटर पे एक टैग डाल दिया जाएगा, एक पोस्ट, कोशिश करिएगा हर कोई अपने ट्विटर हैंडल का सही यूज करे, उसे रीट्वीट जरूर करे, बीएचयू ऑफिशियल जो हैं या बीएचयू बीसी जो हैं या इससे जुड़े हुए और यूजीसी इंडिया वगैरह एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिससे उनके दिमाग में ये बात जाए क्योंकि विश्वविद्यालय की पहचान जो है बहुत बड़े लेवल पे है, NRF थर्ड रैंक था, अब 6th पे चला गया, तो 6th पे जाने का जो भी रीज़न है ये आज मुझे लग रहा है अगर लोग जब क्योंकि शोध के छात्र अगर यहाँ बैठते, क्योंकि शोध में जाना वो विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए देश के लिए कुछ करते हैं अपने शोध के माध्यम से, अगर वो धरना करेंगे तो विश्वविद्यालय कहाँ जाएगा और देश कहाँ जाएगा। तो ऐसे में आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग ट्विटर पर रीट्वीट जरूर करें और मैं भी कोशिश करूंगा कि मामले की जो भी आगे अपडेट होगा उसके लिए फिर से अवेलेबल हो जाऊंगा, पूरी कोशिश रहेगी। और आप सभी लोग से भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्लीज सपोर्ट करें और मामले को जानने के लिए अपडेटेड रहें और रिट्वीट जरूर करिएगा। ओके, हर महादेव, जैसे कि राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।